हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोग को बेबी के लिए सूज बताने वाली हूँ बनाना। तो देखिए, इसकी लंबाई हमने ली है 4 इंच। तो इस जो भी आपके बेबी का नाप हो वो आपको नाप लेना है। और देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंच टोटल। और देखिए, ऐसे हम टाइटली नापेंगे तो 4.5 इंच है। तो इस तरीके से अब हमने एक और कपड़ा ले लिया है जो हम यूज करने वाले हैं, जिससे हम बनाने वाले हैं। वेलवेट का कपड़ा लिया है मैंने ये। और मतलब आपको जो 4 इंच का है तो वहाँ पर आपको 5 इंच लेना है, जहाँ 5 इंच का वहाँ पर आपको 6 इंच लेना है। तो देखिए, 5 इंच है तो मैंने 6 इंच लिया है, और 4 इंच है तो मैंने 5 इंच लिया। तो मतलब एक एक इंच एक्स्ट्रा लेते हुए दोनों तरफ से मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। और इस नाप के हमें 4 पीस चाहिए, तो मैं 4 पीस कट कर लेती हूँ। तो देखिए, 4 पीस हमने कट कर लिए हैं एक ही नाप के, 6x5 इंच के। अब देखिए, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। जिधर से चौड़ा पार्ट है उधर से आपको फोल्ड करना है। आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आता चला जाएगा। और देखिए, आर्पिन से मैंने लगा दिया है ताकि ये हिले ना। तो ऊपर से मैं 2 इंच की नीचाई पर कट करूँगी यहाँ से। अगर आपको ज़्यादा कट करना है, 2.5 इंच लेना है, तो 2.5 इंच भी ले सकते हो। यहाँ से मैं 1 इंच लूँगी, तो आप 1.25 इंच भी ले सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से हल्का सा राउंड दे दिया है। तो आप 1 इंच से 1.25 इंच को ऊंचाई ले सकते हो, और जो मैंने 2 इंच लिया है वहाँ से आप 2.5 इंच भी ले सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से हम चारों पीसों को कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने आर्पिन से सेट कर लिया है। इसको मैं कट कर देती हूँ निशान लगाने के बाद में। तो ये मैंने निशान इसीलिए लगाया है ताकि मैं कट करूँ तो ये हिल भी जाए, तो बराबर कटे फिर भी। तो देखिए, चारों पार्टों को हमने बराबर कट कर लिया है जितना हमें चाहिए था। अब आपको देखिए, एक दोनों पार्टों को इस तरीके से उल्टा रखना है। अंदर की साइड में दोनों पार्ट हमारे सीधे होने चाहिए। और आर्पिन से मैं सेट कर देती हूँ ताकि हिले ना सिलाई लगाते वक्त। अब इसमें हमें अंदर की साइड में जो राउंड है उस पर हमें सिलाई लगा देनी है हल्के हल्के। तो देखिए, मैं इस तरीके से किनारी किनारी पर सिलाई लगा दूँगी। तो इसी तरीके से आपको दोनों पार्टों में सिलाई लगा देनी है। तो ज़रूरी नहीं है आप इसके ही बनाओ वेलवेट के कपड़े के, आप कोई भी कपड़ा हो उसके बना सकते हो, या फिर वूलन का कपड़ा हो, क्योंकि वूलन के कपड़े से आपके बढ़िया भी रहेगा, क्योंकि अब सर्दी आने वाली है। तो देखिए, हमने इस तरीके से कट्स लगा के, और इस तरीके से हम इसको पहले जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम स्लाइस स्लाइस मतलब मिलाते हुए पूरा सिल देंगे। तो मैं बुलन की भी बताने वाली हूँ आगे चल के, आप वीडियो में बने रहिएगा। मतलब इसमें नहीं, अगली वीडियो आएंगी बहुत सारी, वो बहुत आएंगी इसी से रिलेटेड। और गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो और लाइक ज़रूर करना। तो देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है। अब जो सिलाई वाला पार्ट है तो उसका हम बी सेंटर निकाल लेंगे पहले इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए, इससे हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे कुछ। और मैं आल्पिन से सेट कर लेती हूँ फिर से ताकि ये लेना। और यहाँ पर हम हल्का सा राउंड देते हुए किनारियों पर, और केवल किनारियों पर आपको राउंड शेप देना है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है जूती की शेप में। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको हम कट कर देंगे। तो देखिए, आप इसे सिंपल इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। और इसमें मैं थोड़ा सा डिजाइनर लुक भी देने वाली हूँ। और सब जो बच्चे की जूती ना उतरे उसके लिए हम एक और स्ट्रिप इसमें लगाने वाले हैं। तो ये मैंने 4x5 इंच का कपड़ा लिया, 4। तो आप नाप देख लेना, मैं भूल गई कितना था। और देखिए, इस तरीके से ये इसको हम सीधा कर लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है, और छोटी छोटी मैंने बेलग्रो 2 पीस कट किए हैं दोनों के लिए। तो देखिए, इसमें से बेलग्रो में से 2 पीस कट कर लिए हैं मैंने, और इसके ऊपर हम अटैच कर देंगे दोनों हिस्सों को। तो देखिए, मैंने अटैच कर दिए हैं इस तरीके से कुछ। और इस स्ट्रिप को हमने जो रेडी किया है उसे हमें जूती के जो पीछे वाली साइड है उसे हमें करीब 1 इंच इधर लेते हुए सिलाई लगा देनी है यहाँ पर। तो देखिए, हमने इसको सिल दिया है। अब यहाँ पर दूसरी साइड में हम दूसरी वाली वेलक्रो को सेट कर देंगे चिपकाने के लिए। अब आपके पास कोई भी फ्लावर वगैरह हो तो आप उसके ऊपर लगा सकते हो, नहीं तो बना भी सकते हो कपड़े का। मैंने आपको पहले भी फ्लावर वगैरह बनाना बताया, अगर आपको नहीं आता है तो मैं उसकी वीडियो शेयर कर दूँगी, आप मुझे कमेंट कर देना। तो देख
सकते हो आप, एक फ्लावर या दो फ्लावर आप जैसे यूज करना चाहो, जैसे आप लगाना चाहो वैसे आप लगा सकते हो। और देखिए हमारी प्यारी सी जूती रेडी है। सो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को हमारी ये प्यारी सी जूती कैसी लगी बच्चे के लिए। आप इसे किसी भी साइज की बना सकते हो, ज़रूरी नहीं छोटी ही बनाओ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, जितनी बड़ी बनानी है या फिर जितनी छोटी बनानी है उतनी छोटी आप बना सकते हो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा करना है तो हल्का सा बड़ा और नाप ले लेना।